हाय एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन एन एकेडमी प्लेटफॉर्म। तो सर, नेक्स्ट जो है यहाँ पे हम बात करना शुरू करते हैं भारत का भूगोल। तो इंडियन ज्योग्राफी का एक ये छोटा सा मतलब एक क्रैश कोर्स निकाला है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो मच बेटर है, अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे हो तो बेसिक बेसिक चीज़ें जो हैं एनसीईआरटी की शब्दावली का उपयोग करते हुए भारत का भूगोल जो देखने को मिलता है, एक एनसीईआरटी आपको देखने को मिलेगी जिसका नाम है आपका भारत का सामान्य भूगोल। इस एनसीईआरटी के कुछ कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो मैंने इसके अंदर उठाए हैं, और इस फंडामेंटल के अलावा कुछ एडवांस चीज़ें जो हैं वो भी यहाँ पे आपका इस कोर्स के अंदर डाली गई हैं। ओके, तो आपको एक बार मैं एनसीईआरटी दिखाई दूँ, ये कौन सी एनसीईआरटी है। ये आपको एक एनसीईआरटी देखने को मिलेगी, भारत का भौतिक पर्यावरण। ठीक, सामान्यतः आप इसको पढ़ रहे हो और नो डाउट यहाँ से क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। और स्पेशली आपको ग्रेड फर्स्ट देखने को मिलेगा, ग्रेड सेकंड देखने को मिलेगा, या आप एग्ज़ाम देखते हो राजस्थान के अंदर रीट का या आरएएस का, कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो तो एक फंडामेंटल के लिए आपको ये पढ़नी जरूरी होती है, या फंडामेंटल के लिए आप इसको पढ़ते हो। ओके, तो इसको हम देखना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये क्लास देख रहे हैं अनअकैडमी आरपीएससी लाइव पर, और अगर आप राजस्थान के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप जो है ये डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको जो कोर्सेज मिलेंगे वो लाइव और रिकॉर्डेड सेशंस देखने को मिलेंगे। उसके अलावा आप घर बैठे अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन अनअकैडमी के साथ में कर सकते हैं। आपको यहाँ पे प्लस क्लासेज में हर क्लास के बाद में डाउट क्लियरिंग सेशन मिलेगा। और आप तैयारी कर रहे हैं आरएएस की तो आरएएस का पूरा यहाँ पे कंप्लीट आपको फुल लेंथ टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी अगस्त 14 को सुबह 10 बजे, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसको एनरोल कर सकते हैं। अपकमिंग टेस्ट की बात करी जाए तो एलडीसी का टेस्ट देखने को मिलेगा, एक एलडीसी एग्जाम पेपर 2 जो है संडे 10 बजे, एक आरएसएमएसएसबी वनपाल जो है इसका पेपर जो है ये देखने को मिलेगा, तो ये पेपर आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम आरएस प्रीलिम्स का कोर्स, क्रैश कोर्स जो है 3 महीने का, ये 4 अगस्त से यहाँ पे लॉन्च हो रहा है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आरएस का फाउंडेशन 12 महीने का कोर्स जो है ये हमारा 11 अगस्त से लॉन्च हो रहा है, आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी पर प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप कोड यूज़ कर सकते हैं टीटी लाइव। जैसे ही आप ये कोड यूज़ करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। बात करी जाए आरएएस की तो आरएएस की जो फीस है यहाँ पे साल भर की 7600 है, 2 साल की 9000, और बात करी जाए ग्रेड फर्स्ट की तो 2520, ग्रेड सेकंड की तो 2100। उसी तरीके से रीट तो आपका जो फाइनल पेपर आएगा उसकी फीस जो है आपकी 2520 रुपये देखने को मिलेगी 6 महीने की, साल भर के यहाँ 3,2700 और 3,000। डिस्काउंट के लिए आप इन सभी में कोड टीटी लाइव जो है ये यूज़ कर सकते हैं। ओके, चलिए सर, तो ये तो बात हुई टेस्ट सीरीज की और अनअकैडमी की, अब देखते हैं यहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी के अंदर फाउंडेशन में। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं देखना शुरू करता हूँ किसको, भारत को, तो कभी भी किसी भी देश को जब देखा जाता है तो बेसिकली मेरे को 2-3 चीज़ें जो हैं वो याद होना चाहिए उस देश के बारे में। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं भारत को देखना शुरू करता हूँ तो एक सिंप्लीफाई मेरे को मैप दिखाई देता है इंडिया का, और सबसे पहले क्षेत्रफल जो है ये पता होना चाहिए। तो भारत का क्षेत्रफल जो है वो क्या देखने को मिलेगा मेरे को, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, सिंपल सा एक याद रखना कि सर भारत का क्षेत्रफल कितना पाया जाता है, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर जो है ये भारत का क्षेत्रफल देखने को मिलता है। ओके, अब देखो यहां पे आप देखना शुरू करते हैं, सर कमेंट में इंडिया का भी आएगा या ओनली राजस्थान का आएगा, किसमें कोमल आपका इंडिया राजस्थान दोनों पूछेगा ना यार, केवल इंडिया क्यों पूछेगा, वो इंडिया राजस्थान आपका ग्रेड वगैरह आरएएस वगैरह सब में आता है, मैं फाउंडेशन की बात कर रहा हूं। मैं यहाँ पे आपका इंडियन ज्योग्राफी अगर आपने कभी नहीं पढ़ी अपने जीवन में तो मैं फाउंडेशन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलो सर मैं आपके डाउट जो उनको बीच में ले दूंगा। तो सबसे पहले भारत के क्षेत्रफल की बात करी जाए, भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर जो है ये भारत का क्षेत्रफल जो है मेरे को देखने को मिलता है। ओके सर, क्लास क्लास के साथ टेस्ट दोनों इस फॉर्मेट पे चलेंगे अपन। अब देखो भारत को अगर मैं देखना शुरू करता हूं सिंप्लीफाई में तो इसकी आकृति जो है वो देखने को मिलती है मेरे को, कौन सी, मैं बोल सकता हूँ भारत की जो आकृति है ये देखने को मिलेगी चतुष्कोणीय। अब भारत के अंदर आप देखना शुरू करते हो, देखो कब जब किसी भी देश को आप लेते हो, किसी भी देश को अगर लेते हो तो उस देश की अपन क्या देखना शुरू करते हैं, भौतिक स्थिति, और भौतिक स्थिति के अंदर अपन देखते हैं कि वो देश जो है वो है कहाँ पे।
अब देखो शुरुआत से चलना शुरू करते हैं, जो अपन राजस्थान में भी देखते हैं और इंडिया ज्योग्राफी के अंदर भी देखते हैं, सामान्य परिचय की बात इसमें देखना शुरू करेंगे। तो देखो सबसे पहले संपूर्ण पृथ्वी एक थी, आपको पता था, पता है, और इस संपूर्ण पृथ्वी के भूखंड को क्या कहा गया, पेंजिया, और जो सागर है इसको क्या कहा गया, पैंथलासा। अब जो ये पेंजिया जो है ये स्पेशली आपका टूटना शुरू होता है, ये दो भागों में टूटता है, इसका उत्तरी भाग जो है ये कहलाया गया लॉरेशिया और दक्षिणी भाग जो है ये कहलाया गया गोंडवानालैंड। संपूर्ण पृथ्वी प्रारंभ में जब निर्माण हुआ था तो एक साथ ही इसका नाम था पेंजिया, और बात करी जाए जो महासागर था इसका नाम था पैंथलासा। पेंजिया दो भागों में टूटा, उत्तरी भाग था जिसके अंदर दिखाई देता है कौन सा, मेरे को दिखाई देता है यूरोप दिखाई देता है, मेरे को इसके अंदर आपका एशिया का कुछ भाग दिखाई देता है, मेरे को यहां पे उत्तरी अमेरिका का कुछ भाग दिखाई देता है। आप गोंडवानालैंड देखते हो तो गोंडवानालैंड में दक्षिणी अमेरिका दिखाई देता है, अफ्रीका दिखाई देता है, दक्षिणी भारत दिखाई देता है, अंटार्कटिका दिखाई देता है और ऑस्ट्रेलिया दिखाई देता है। ठीक, तो स्पेशली अगर पूछा जाए कि भारत का जो कर्क रेखा के नीचे वाला जो क्षेत्र है ये कहां से है, या फिर ये दक्षिण भारत जो है ये किसका हिस्सा है, मैं बोलूंगा कि सर ये है गोंडवानालैंड का हिस्सा। पहला क्वेश्चन तो ये निकलता है कि दक्षिण भारत जो है ये किसका हिस्सा है, मैं बोलूंगा कि सर ये गोंडवानालैंड जो है ये इसका हिस्सा देखने को मिलता है। अब देखो वह क्षेत्र जो तीनों तरफ जल से घिरा हुआ होता है उसको क्या कहा जाता है, प्रायद्वीप। तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो दक्षिण वाला भाग जो है ये क्या रखता है, प्रायद्वीप स्थिति रखता है, और इसीलिए दक्षिण भारत को क्या कहा जाता है, प्रायद्वीप भारत कहा जाता है। ओके, अब देखो यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, अब आता है पूरे वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, पूरे विश्व के परिपेक्ष में देखते हैं। तो अगर पूछ लिया जाए कि सर भारत विश्व का कुल कितना क्षेत्रफल रखता है, जैसे कई बार राजस्थान के भूगोल में पूछता है कि राजस्थान भारत का कुल कितना क्षेत्रफल रखता है, आप राजस्थान के भूगोल में देखते हो कि राजस्थान राज्य के द्वारा भारत का कितना क्षेत्रफल रखा जाता है, बोलते 10.41% जो है भूभाग रखता है राजस्थान। तो उसी तरीके से भारत जो है संपूर्ण विश्व का कितना, 2.4% भूभाग जो है यह भारत के अंदर पाया जाता है। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा देश जो है यह 7वें नंबर पे है, और पहले नंबर पे आपको देखने को मिलता है कौन सा, रूस, फिर कनाडा, फिर चीन, फिर अमेरिका, फिर ब्राजील, फिर उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया, और उसके पश्चात 7वां सबसे बड़ा देश देखने को मिलता है मेरे को इंडिया। आकार की बात अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग करी जाए तो जापान से 9 गुना, इंग्लैंड से 14 गुना, और संपूर्ण मैं बोल सकता हूं विश्व का यानी कि ग्लोब का कितना भाग रखता है, 1/46। अब देखो ये 2.4% ये सामान्यतः याद रहता है कि भारत विश्व का कितना प्रतिशत भूभाग रखता है, सर 2.4%। ये ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, तो 2.4%। अब ग्लोब का, ये जो संपूर्ण मेरे को ग्लोब दिखाई दे रहा है, इस ग्लोब का कितना भाग रखता है, तो इस ग्लोब का रखता हुआ दिखाई देता है 1/46 भाग जो है यह देखने को मिलता है। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत जो है चीन के पश्चात दूसरा सबसे ज्यादा स्थान रखने वाला। अब देखो यहां पे दो क्वेश्चन निकलते हैं, क्या, एक तो भारत के अंदर विश्व की कितनी जनसंख्या पाई जाती है, तो विश्व की कुल जनसंख्या का अकेला भारत रखता है कितना, 17.5% भूभाग। अब देखो यहां पर 3 फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं, कौन कौन से, विश्व का कितना भाग रखता है, मैं बोल सकता हूं विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश, ठीक, भारत की जनसंख्या विश्व की कितनी है, 17.5% विश्व की जनसंख्या निवास करती है। वर्ष 2011 के अंदर भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है, तो 17.7% जो है यह अपनी 2011 के अंदर क्या दिखाई देती है, वृद्धि दर देखने को मिलती है। संपूर्ण ग्लोब का कितना भाग रखता है, 1/46 भाग जो है यह संपूर्ण ग्लोब का मेरे को रखता हुआ दिखाई देता है। यह सिंपल से आपको फैक्टर ध्यान रखने हैं कि विश्व का 2.4% भूभाग, विश्व का 7वां देश, ठीक, और मैं बोल सकता हूं कि आपका विश्व के अंदर 17.5% जनसंख्या और 17.7% वृद्धि दर और 1/46 जो है भूगोल ग्लोब का जो है भाग रखता हुआ मेरे को भारत दिखाई देता है। ओके, अब सर अगला क्वेश्चन जो आता है सामान्यतः अपने से पूछा जाता है अक्षांश स्थिति और देशांतरी स्थिति, मतलब किसी भी देश की अगर बात करी जाए कि सर इसकी अक्षांश स्थिति कौन कितनी है, देशांतरी स्थिति को कितनी है। तो सबसे पहले मतलब जो लोग जिनको ये नहीं पता है कि साहब ये अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है, मैं वहां से बात करूंगा इसकी, मतलब बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने आज तक लाइफ में कभी ज्योग्राफी नहीं पढ़ी होगी, या जो भाई बहन मेरे पहली बार ज्योग्राफी देख रहे होंगे, ठीक। तो देखो अक्षांश और देशांतर, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि सर ये
बीमारी जो है अक्षांश देशांतर की, ये कहानी क्या है? देखो यहां पे होता क्या है, सबसे पहले जो भूगोलवेत्ता हैं ये संपूर्ण पृथ्वी को क्या करते हैं, ये इस तरीके से बांटते हैं किसके आधार पे, ये लेटी हुई रेखाएं इनके आधार पे, इनको बोलते हैं अक्षांश। तो ये बिल्कुल जमीन के मतलब पृथ्वी के बीचों बीच से एक रेखा निकालते हैं, इसको क्या बोलते हैं, 0 डिग्री अक्षांश, या इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, या इसको बोलते हैं विषुवत रेखा। पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच से मध्य से निकलने वाली रेखा 0 डिग्री अक्षांश, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा के नाम से जानी जाती है। अब सर इसके उत्तर में जो दिखाई देगा वो क्या दिखाई देगा, उत्तरी गोलार्ध, और इसके दक्षिण में जो दिखाई देगा वो क्या दिखाई देगा, दक्षिणी गोलार्ध। अब ये तो हो गए उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अब यहां पे इन्होंने क्या करने शुरू करे, इस पे कोण बनाने शुरू करे। ये पृथ्वी का मध्य भाग, यहां से जब कोण बनाया जाएगा तो देखो ये ऊपर ही ऊपर जो कोण दिखाई देगा ये आपको क्या दिखाई देगा, ये दिखाई देगा 90 डिग्री का कोण। और यहां पे आप देखना शुरू करोगे इस तरीके से कोण बनते चले जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे, मतलब 23 30 60 90। तो ये जो अक्षांश देखने को मिलते हैं, अधिकतम अक्षांश का मान क्या हो सकता है, 90 डिग्री उत्तरी हो सकता है, और अधिकतम दक्षिण में हो सकता है क्या, 90 डिग्री दक्षिण हो सकता है। भाई आप देखना शुरू करोगे गणित में डी का उपयोग तो करा होगा, चंदे का उपयोग तो करा ही होगा आपने, और चंदे में आप कोण बनते हुए देखते हो, ये देखो ये वाला कोण 90 डिग्री का कोण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां पे इनको क्या दिखाई दिया, मान लो इनको यहां पे 20 डिग्री का कोण दिखाई दिया, तो 20 डिग्री के सारे सारे एक वृत्त बना दिया, ये 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश देखने को मिलता है। और यहां पे एक अक्षांश लेते हैं जिसको लेते हैं क्या, इसका नाम होगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है इसको कहा जाता है क्या, कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। और इसी तरीके से दक्षिण में देखने को मिलेगा 23.5, इसको बोला जाएगा मकर रेखा, या बोलता हूं लाइन ऑफ कैपिकॉर्न, उत्तर वाले को लाइन ऑफ कैंसर कर्क रेखा, और दक्षिण वाले को मकर रेखा। अब बात यह आती है कि सर ये कर्क रेखा और मकर रेखा जो है ये ही क्यों ध्यान में रखी, 23.5 ही ध्यान में क्यों रखी, क्योंकि देखो सूर्य जो है ना अपनी पृथ्वी जो है वो झुकी हुई है, और अपनी पृथ्वी जो है ये आपका जब सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो ये दिशाएं परिवर्तित करती है, मतलब झुकाव परिवर्तित करती है, एक बार झुकाव ये रहेगा। अब देखो यहां पे ऑस्ट्रेलिया के ऊपर सूर्य की किरणें आ रही हैं, यानी कि मकर रेखा पे आ रही हैं सीधी की सीधी, देखो यहां पे, और एक बार झुकाव जो है वो ये रहेगा। इस स्थिति के अंदर भारत के ऊपर सीधी सीधी आपकी सूर्य की किरणें आएंगी, तो सूर्य जो है ना सीधा लंबवत चमक सकता है कहां पे, या तो कर्क रेखा पे या मकर रेखा में, या इन दोनों के बीच में, इससे ज्यादा जो है सूर्य की किरणें जो है सीधी नहीं पड़ेंगी, प्रत्यक्ष रूप से सूर्य की किरणें इन दोनों एरिया के अलावा, कर्क रेखा और मकर रेखा के अलावा और कहीं नहीं आती हैं। 21 जून को देखते हो तो कर्क रेखा पे दिखाई देता है, और मैं बोल देखना शुरू करता हूं आपका 22 दिसंबर देखना शुरू करते हो तो मकर रेखा पे दिखाई देता है। ठीक, तो यहां पे ये तो हो गई इन्होंने किसकी, अक्षांश की बात, और देशांतरों की बात करी जाए तो ये इन्होंने लंबी लंबी रेखाएं खींची, इनको कहा इन्होंने देशांतर, 0 डिग्री देशांतर जो है ये दिखलता है मेरे को कहां से, लंदन के पास में ग्रीनविच से। ठीक, अब देखो सबसे पहले पृथ्वी पे बात करी जाए कि साहब भारत जो है वो पृथ्वी पे कहां पाया जाता है, सामान्य परिचय की बात कर रहे हैं तो आपको एक पूछा जाता है कि भारत की स्थिति पृथ्वी पर कहां पाई जाती है, तो मैं बोल सकता हूं कि सर अक्षांश के हिसाब से तो मैं देखता हूं भारत को उत्तरी गोलार्ध में, और देशांतर के हिसाब से देखता हूं मैं भारत को कहां पे, पूर्वी गोलार्ध में। ये 0 डिग्री के ऊपर ऊपर उत्तर आ जाएगा, नीचे दक्षिण आ जाएगा, यह आपको देखने को मिलता है 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर के दाईं तरफ जो है वो आता है पूर्व दिशा, और बाईं तरफ आती है पश्चिम दिशा। भारत की स्थिति दिखाई देती है यहां पे, तो मैं बोल सकता हूं भारत जो है वो क्या देखने को मिलता है, मैं बोल सकता हूं कि भारत जो है अपनी पृथ्वी पर उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर अवस्थित है। एक क्वेश्चन ये सिंपल सा बना कि भारत की अवस्थिति देखने को मिलती है पृथ्वी पर उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर। ओके, अब देखो सर उत्तरी पूर्वी गोलार्ध जो है यहां से मैं निकला आगे की तरफ, जैसे ही मैं उत्तरी पूर्वी गोलार्ध से आगे की तरफ निकलता हूं, आवाज साफ आ रही है क्या सर, आवाज फट तो नहीं रही है, जैसे ही मैं उत्तरी पूर्वी गोलार्ध से, हाँ सही आ रही है। चलो सर अब देखो यहां से आप निकलते हैं आगे की तरफ, ये तो हुई भारत की स्थिति उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर जो है भारत देखने को मिल रहा है अपने को। नेक्स्ट, अब आगे सिंपल सा एक क्वेश्चन बनता है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है ये बताइए कि निम्नलिखित में से भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है ये क्या होगा। तो देखो अक्षांशीय विस्तार की अगर बात आ जाए ना भारत की, तो सिंपल सा एक फैक्टर जो है वो याद रखेंगे आप, क्या एक डिजिट याद रखेंगे,
और जैसे आप फोन नंबर याद रखते हो ना, उसी तरीके से चीजें याद रखनी है आपको हमेशा, लाइफ टाइम जो है वो याद रहेंगे। आपको याद क्या रखना है, एक डिजिट, इस डिजिट का नाम है 84376। क्या याद रखेंगे, 84376। ये जो भारत का बिल्कुल दक्षिणतम बिंदु दिखाई देता है तमिलनाडु में, जहां पे कन्याकुमारी, ये जो है तमिलनाडु राज्य है, यहां पे आपको दक्षिणतम बिंदु दिखाई देता है जिसको बोलते हैं कन्याकुमारी, और यहां से जो अक्षांश रेखा गुजरती है मैंने कहा अक्षांशीय विस्तार कितना 84376, तो आपको ध्यान रखना है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के आपका कहां तक 37 डिग्री आपका 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश तक भारत का अक्षांशीय विस्तार देखने को मिलता है। यानी कि दक्षिणतम बिंदु जो है वो देखने को मिलेगा कौन सा, तमिलनाडु के अंदर कैप कैमोरिन, और ऊपर देखते हो तो यहां पे दिखाई देता है मेरे को लद्दाख। भारत का उत्तरतम बिंदु जो है वो दिखाई देगा लद्दाख के अंदर, और दक्षिणतम दिखाई देगा तमिलनाडु के अंदर कैप कैमोरिन या कन्याकुमारी जो है ये कहा जाएगा। अक्षांशीय विस्तार कितना 84376, या मैं बोल सकता हूं 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। ठीक, ध्यान रखना इन दोनों के आगे उत्तरी उत्तरी जो है वो लगा रहेगा। अब बात करते हैं देशांतरीय विस्तार की, तो देशांतरीय विस्तार कितना देखने को मिलेगा, देखो आपको सीधा, अब देशांतरीय विस्तार गुजरात से ही शुरू होगा और अरुणाचल पे जाएगा, है ना, गुजरात से शुरू होगा और अरुणाचल पे जाएगा। आपको क्या लिखना है, केवल 786 लिखना है, और इसको आप उल्टा कर लो। अब क्या लिखोगे, आप बोल सकते हो कि सर 687 पूर्वी देशांतर से लेकर के यहां पे मैं देखना शुरू करता हूं अरुणाचल प्रदेश में 97.25 पूर्वी देशांतर जो है ये भारत का क्या है आएगा, देशांतरीय विस्तार। ये तो बात हुई अक्षांशीय विस्तार देशांतरीय विस्तार की। अक्षांशीय विस्तार कितना है आपका 84376, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और देशांतरीय विस्तार है गुजरात से शुरू होता है 68.7 पूर्वी देशांतर से लेकर के 97.25 पूर्वी देशांतर। ओके अब देखो यहां पे लगने को ये चीजें अपने को सिंपल लगती हैं कि अरे यार ये तो बिल्कुल बेसिक चीज है और ये तो मेरे को आती ही है। दिक्कत कहां पे होती है, दिक्कत होती है कि जब आपसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, और जब आप एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखते हो, जैसे क्वेश्चन जो है ये देखने को मिल रहा है कि भारत की अवस्थिति है, निम्नलिखित में से भारत की अवस्थिति जो है वो देखने को मिलती है, और सामान्यतः यहाँ पे जो है हम एग्जाम हॉल के अंदर बड़े मतलब खुश होंगे, एक्साइटेड होंगे कि ये तो बहुत सीधा है, और क्वेश्चन जो है पहला ऑप्शन जो है वो सामान्यतः विद्यार्थी लगाते हुए मैं देखता हूं। ध्यान रखना यहाँ पे आंसर जो है वो आपका सही होगा सी आंसर, थर्ड आंसर जो है बिल्कुल सही होगा। क्यों, क्योंकि अक्षांशीय विस्तार 8.4 उत्तरी से 37.6 उत्तरी अक्षांश, ठीक, अक्षांशीय विस्तार, और देशांतरीय विस्तार 68.7 पूर्वी से 97.25 पूर्वी जो है ये देखने को मिलता है। अगर मैं पहला ऑप्शन देखता हूं तो इसमें उत्तर से दक्षिण दे रखा है जो कि बिल्कुल गलत है, दूसरा ऑप्शन देखता हूं तो यहां पे दक्षिण से उत्तर दे रखा है जो कि बिल्कुल गलत है, और तीसरा ऑप्शन देखता हूं तो यहां पे दक्षिण से दक्षिण दे रखा है जो कि बिल्कुल गलत है। ओके, तो इस तरीके के जो है कई बार लोग फेर में फंसते हैं और ये बेसिक क्वेश्चन जो है वो आपको नुकसान पहुंचाते हैं, ये आपको यहां पे ध्यान रखना है। ओके, अब आगे चलें सर, ये अक्षांशीय विस्तार की कहानी क्लियर है क्या, अक्षांशीय विस्तार की कहानी क्लियर है क्या। अब देखो ये तो हुई इसकी एक बेसिक बात, छोटी सी बात, मतलब एक छोटी सी बात देखने को मिलती है अक्षांशीय विस्तार की। अब अक्षांशीय विस्तार के अंदर आगे एक प्रभाव देखते हैं कि सर इसका प्रभाव जो है वो क्या होता है। सर अक्षांशीय विस्तार आप पढ़ रहे हो तो कोई ना कोई तो इसका प्रभाव होगा भारत के अंदर, कुछ ना कुछ तो इसके अंदर मेरे को मतलब मैं बोल सकता हूं इंपैक्ट जो है वो देखने को मिलेगा। देखते हैं सर इंपैक्ट क्या है। देखो इंपैक्ट देखने को मिलता है क्या, अगर मैं देखता हूं कि भारत के अंदर कन्याकुमारी जो है ये भूमध्य रेखा से कितनी दूर है, 876 किलोमीटर। ओके, और बिल्कुल मैं बोल सकता हूं कि अक्षांशीय प्रभाव के कारण केरल में सबसे छोटे और सबसे बड़े दिन में 45 मिनट का अंतराल, जबकि लेह के अंदर या लद्दाख के अंदर यह अंतराल 5 घंटे का हो जाता है। ये सर ये क्या कहानी है। देखो इस कहानी को अपन समझने की कोशिश करते हैं। अपनी पृथ्वी जो है यह अक्ष पे झुकी हुई है। ओके, देखो इस वक्त की अगर मैं कंडीशन देखता हूं वर्तमान, तो इस कंडीशन पे अपन आएंगे, और जब मैं स्थिति देखता हूं सर्दियों की, तो सर्दियों में भारत जो है वो इस तरीके से देखने को मिलेगा। एक बार आप इस ग्लोब को देखो, मान लो मैं इस सिचुएशन को लेकर चलता हूं, तो
तो यहां पे भारत जो है वो इस तरीके से आ रहा है आपका। ठीक, देखो यहां पे आप देखते हो कि उत्तरी भारत बिल्कुल ऊपर वाला किनारा लद्दाख को अगर देखते हो, सर्दियों के दिन में ये दिखाई देगा, और ये दिन हुआ, ये दिन हुआ, ये दिन हुआ, ये हो गई यहां पे रात, ये हो गई यहां पे रात आपकी, मतलब दिन की अवधि जो है वो यहां पे आपका इतनी ही देखने को मिलेगी, इतनी ही देखने को मिलेगी, तुरंत जो है रात हो जाएगी यहां पे। और यहां पे गर्मियों की स्थिति अगर आप देखते हो तो यहां पे आप देखना शुरू करोगे, ये उत्तरी ध्रुव जो है ना, जैसे जैसे भूमध्य रेखा से आप ध्रुवों की तरफ जाते हो, ये उत्तरी ध्रुव पे देखो आपको कंटिन्यू गर्मियों में यहां पे 6 महीने के दिन दिखाई देते हैं, कंटिन्यू यहां पे 6 महीने के दिन ये एरिया हमेशा सामने रहेगा उत्तरी ध्रुव वाला, जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है, और सूर्य जब दक्षिणी गोलार्ध में होता है तो यहां पे कंटिन्यू 6 महीने की रातें और नीचे कंटिन्यू 6 महीने के दिन, नीचे कंटिन्यू 6 महीने के दिन। यानी कि मैं क्या बोल सकता हूं कि जैसे जैसे मैं भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाता हूं तो दिन और रात की अवधि में क्या आता है, अंतराल आता है, दिन और रात की अवधि जो है इनमें परिवर्तन आते हुए दिखाई देते हैं। और अगर मैं देखना शुरू करता हूं क्या भारत को अगर मैं देखता हूं तो भूमध्य रेखा के पास में सबसे जो निकट जो क्षेत्र देखने को मिलता है वो देखने को मिलती है कैप कैमोरिन बोलेंगे या कन्याकुमारी बोलोगे, ये सबसे निकट है। और आप देखते हो कि जैसे सर्दियों के अंदर भाई ऋतुओं का निर्माण कहां होगा आपका, भूमध्य रेखा से ऊपर, पृथ्वी पर भूमध्य रेखा एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे कोई भी ऋतु का निर्माण नहीं होता है, साल भर एक से दिखाई देंगे, साल भर दिन रात की अवधि एक दिखाई देगी, ऋतु का निर्माण भी नहीं और दिन और रात की अवधि भी समान, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात देखने को मिलेगी। जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो दिन और रात की अवधि में अंतराल, देखो कभी भी मान लो आप ये राजस्थान के अंदर ये एग्जाम्पल करके देख लेना, कोई व्यक्ति है वो गंगानगर के अंदर बैठा है और एक व्यक्ति जो है वो हनुमानगढ़ के अंदर बैठा है, सॉरी यहां पे आपका बांसवाड़ा के अंदर बैठा है, एक व्यक्ति गंगानगर में बैठा है और एक व्यक्ति कहां पे बांसवाड़ा के अंदर बैठा है। देखो स्थिति में क्या अंतर आ रहा है, गंगानगर वाला जो है वो ध्रुव के निकट है, अगर मैं पृथ्वी पे देखूं तो ये ऊपर की तरफ है थोड़ा सा गंगानगर वाला व्यक्ति, और बांसवाड़ा वाले की बात करूं तो ये आपका कर्क रेखा पे है। अगर बात करी जाए किसमें, शीत ऋतु की, तो शीत ऋतु में ध्यान रखना गंगानगर जो है ना यहां पे दिन की अवधि बांसवाड़ा की तुलना में कम होगी, अगर बांसवाड़ा में आपके 10 घंटे के दिन हो रहे हैं ना तो गंगानगर के अंदर आपको 9 घंटे का ही देखने को मिलेगा। वही बात मैं यहां कह रहा हूं कि अगर कन्याकुमारी के अंदर सर्दी और गर्मी शीत ऋतु का आप देखते हो, जैसे राजस्थान में बैठे हो सर्दियों के अंदर अपने को दिन छोटे दिखाई देते हैं, गर्मियों में दिन बड़े दिखाई देते हैं, तो अंतराल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सर्दियों के और गर्मियों के दिन में अंतराल आ रहा है। यहां पे कन्याकुमारी में न्यूनतम अंतराल आएगा कितना, 45 मिनट का, कि भाई सर्दी और गर्मी के जो दिन होंगे वो 45 मिनट के अंतराल रखेंगे, गर्मियों के मतलब साल भर दिन एक से, सर्दी और गर्मी के अंदर 45 मिनट का अंतराल, और सर्वाधिक दिनों के अंदर अंतराल जो देखने को मिलेगा शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु के अंदर वो लद्दाख के अंदर देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे आप भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हो तो दिन और रात की अवधि बढ़ती चली जाती है, भूमध्य रेखा पे 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है, और ध्रुवों पे सदैव 6 माह के दिन और 6 माह की रात होती है। ओके, ये एक सिंपल सा इंपैक्ट जो है ये आपको ध्यान रखना है यहां पे कि सर्वाधिक दिन व रात की अवधि के अंदर अंतराल कहां देखने को मिलता है, तो मैं बोल सकता हूं आपका गंगानगर, सॉरी मैं बोल सकता हूं यहां पे लेह या लद्दाख, और दूसरा देखने को मिलेगा मेरे को कन्याकुमारी में न्यूनतम और लद्दाख के अंदर सर्वाधिक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, देशांतरी विस्तार की बात करी तो देखो देशांतरी विस्तार आप देखना शुरू करते हो, यहां पे आपको लगभग लगभग गुजरात के अंदर जो देशांतरी विस्तार देखने को मिलता है ये आता है कौन सा, 68-7 गुजरात का जो आपको देशांतरीय क्षेत्र देखने को मिलता है इसको क्या बोलते हैं अपन, 68-7 पूर्वी देशांतर, यहां से लेकर के आपका क्या आएगा 97-25 पूर्वी देशांतर अरुणाचल प्रदेश में। देशांतर जो है ये किसी भी सूर्य के मतलब किसी भी स्थान का वास्तविक समय जो है ये बताते हैं, मतलब सूर्य के अनुसार वहां पर क्या समय हो रहा है। वैसे भारत का मानक समय तो क्या मानते हैं अपन, ये जीएमटी जो है 530 या 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है ये भारत का मानक समय माना जाता है, बिल्कुल मध्य से गुजर रहा है इसको मानक समय मानेंगे। पर अगर मैं देखता हूं 68-7 और 97-25 यहां पे जो है सूर्य की स्थिति में अंतर देखने को मिलता है। अंतर कैसे देखने को मिलता है, देखो पृथ्वी जो है यह अपने अक्ष पे पश्चिम से पूर्व घूम रही है, उसकी वजह से हो रहा है दिन और रात, सिंपल सा एक फैक्टर है ये आपके सामने जो है आता हुआ देखो क्या दिखाई दे रहा है। सबसे पहले अगर मैं पृथ्वी को घुमा रहा हूं तो सबसे पहले क्या दिखाई देगा आपको, अरुणाचल प्रदेश आता हुआ दिखाई देगा या गुजरात, आप बोलोगे सर अरुणाचल प्रदेश सबसे पहले आ रहा है।
अब अरुणाचल प्रदेश आ रहा है तो यहाँ पे दिन हुआ भाई, ये सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश आया यहाँ पे दिन हुआ, अब धीरे 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 जो है अरुणाचल प्रदेश रात है, गुजरात के अंदर मेरे को अब भी दिखाई दे रहा है गुजरात, तो वहां पे दिन है, धीरे 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 ये रात हो गई, अब वापिस वापिस देखोगे देखो सबसे पहले सूर्योदय कहाँ हो रहा है भारत में, अरुणाचल प्रदेश में, फिर गुजरात में तो अभी अंधेरा है, अब दिखाई दिया मेरे को गुजरात, और अब जो है ये दिखाई देता है लास्ट में मेरे को कहाँ पे, वापिस अरुणाचल प्रदेश। तो पहला क्वेश्चन कि आपका देशांतरी विस्तार के कारण भारत में सर्वप्रथम सूर्योदय कहां होता है, मैं बोलूंगा कि सर अरुणाचल प्रदेश देखने को मिलता है, और सबसे लास्ट में कहां होता है, गुजरात के अंदर। सर लगभग लगभग ये देशांतरी अंतराल अगर आप देखना शुरू करते हो तो ये 29 डिग्री का अंतराल देखने को मिलता है, और ये 29 डिग्री के अंतराल पे जो समय का अंतराल आएगा वो आएगा 1 घंटे 56 मिनट का। यानी कि मैं बोल सकता हूं अगर अरुणाचल प्रदेश में प्रातःकालीन 7 बजे सूर्य उदय हो रहा है तो गुजरात के अंदर कब होगा, 8:56 पे। अगर अरुणाचल प्रदेश में शाम को 6 बजे सूर्यास्त हो रहा है तो गुजरात के अंदर कब होगा, 7:56 पे। कई बार क्वेश्चन आता है कि भारत में सर्वप्रथम सूर्योदय कहां होता है, सर अरुणाचल प्रदेश में होता है। भारत में सबसे बाद में सूर्योदय कहां होता है, सर गुजरात में होता है। अब देखो ये इस समय अंतराल को हटाने के लिए, मतलब इस समस्या को हटाने के लिए, भाई अरुणाचल प्रदेश वाला जो है वो तो मतलब यहां और यहां तो 2 घंटे में अंतर आ रहा है, अब भारत के अंदर समय क्या माने, ट्रेन किस टाइम से चलाएं, भारत के अंदर आप जो फोन कर रहे हो वो किस टाइम पे करोगे, किसी को आप टाइम दे रहे हो बोले कि साहब अरुणाचल प्रदेश के अनुसार समय के अनुसार, या कोई बोले कि साहब यहां पे गुजरात के समय के अनुसार, तो ये बड़ी समस्या हो जाएगी। इसलिए इन्होंने भारत का एक मानक समय माना जिसको क्या कहा गया, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये अपने को ध्यान रखना है। इसकी बात करेंगे कि ये कहां कहां से गुजरता है, इसके कुछ क्वेश्चंस आते हैं। देखो अरुणाचल प्रदेश की मैं आपको बताता हूं, एक सामान्यतः आपने कुछ लोग देखे होंगे जो कि आपका घड़ी के अनुसार, मतलब घड़ी के अनुसार नहीं उठते, वो उठते हैं सूर्य के अनुसार। कुछ लोगों की प्रवृत्ति, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में आपको बहुत से लोग देखने को मिलते हैं, सूर्य की जो रोशनी शुरू हो जाती है सुबह सुबह वो तब उठते हैं। सर्दियों के अंदर देखोगे तो उनके उठने की अवधि जो है थोड़ी सी लेट हो जाएगी, सर्दियों के अंदर वो लोग जो है 5:30 बजे उठेंगे, गर्मियों में वही लोग सुबह 4 बजे उठते हुए दिखाई देते हैं, सर्दियों के अंदर वो लोग जो है शाम को 7:30 बजे सो जाते हैं, और गर्मियों के अंदर आप उन्हीं लोगों को देखते हो तो रात को वो 8:30-9 बजे के आसपास होते हैं। मतलब उनका जो क्लॉक है, उनकी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो सूर्य के अनुसार चल रही है। ऐसा ही मेरा एक मित्र था जिसकी बायोलॉजिकल क्लॉक बिल्कुल सूर्य के अनुसार थी, और वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर भाई साहब जॉब करते थे, अरुणाचल प्रदेश के अंदर केवीएस में टीचर लग गए, केंद्रीय विद्यालय के अंदर, है ना, पहली पोस्टिंग उनको अरुणाचल प्रदेश में ही दी गई थी। केंद्रीय विद्यालय में कुछ पोस्टिंग जो है कुछ समय के लिए आपको कश्मीर में और नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो है भेजा जाता है, तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर उनकी जब पहली पोस्टिंग, तो उनकी आदत है सुबह उठते ही व्हाट्सएप पे मैसेज करने की गुड मॉर्निंग की, तो सामान्यतः वो सुबह सुबह जो है 3 बजे गुड मॉर्निंग मैसेज कर दिया करते थे। अब एक दिन जो है मतलब गलती से मैं सोया नहीं था 3 बजे तक, भाई साहब का मैसेज आया गुड मॉर्निंग, मैं यार भाई ये कौन सी गुड मॉर्निंग है तुम्हारी, बोले बस 1/2 घंटे बाद सूर्योदय होने वाला है, गर्मियों का समय चल रहा था। आप देखते हो लगभग लगभग 5:30 बजे जो है राजस्थान के अंदर रोशनी हो जाती है, ठीक, तो लगभग लगभग 5:30 बजे यहां पे रोशनी हो रही है, तो यहां पे लगभग लगभग आपका 3:30 बजे जो है हल्की फुल्की जो रोशनी अपने 5:30 बजे सुबह हो जाती है, अपने तो 5 बजे अच्छी खासी रोशनी हो जाती है गर्मियों में, है ना, तो जो रोशनी अपने यहां पे आपका 5:30 बजे देखने को मिल रही थी वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर रोशनी 3 बजे देखने को मिल रही थी, ठीक, मतलब वो लगभग लगभग मैं बोल सकता हूं जो रोशनी अपने यहां पे 4:30-5 बजे, मतलब जो रोशनी अपने को यहां पे 5:30 बजे देखने को मिलेगी वो रोशनी लगभग यहां पे 4 बजे देखने को मिलेगी, सॉरी अगेन 4 बजे, मतलब 1.5 घंटे का अंतराल रहेगा और यहां पे 2 घंटे का अंतराल रहेगा, तो ये कुछ अंतराल देखने को मिलता है। अब इस चीज से बचने के लिए क्या करा है, हमने एक मानक समय निकाला, इसको कहा गया 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब देखो क्वेश्चन ये आता है कि भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है कहां कहां से गुजरता है, आपको ध्यान रखना है, एक तो गुजरेगा ये यूपी से, एक गुजरेगा आपका ये मध्य प्रदेश से, एक गुजरेगा छत्तीसगढ़ से, एक गुजरेगा उड़ीसा से, और एक गुजरेगा कहां से, आंध्र प्रदेश से। 1, 2, 3, 4, 5 राज्य दिखाई देते हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक। अब देखो ये तो बात हुई अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार की, अब देखो थोड़ा सा मैं आपको ऊंचे वाले लेवल पे लेके चलता हूं, अभी अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार की बात करेंगे कहां से कौन सा गुजर रहा है, ऊंचे वाले लेवल पे अपन देखना शुरू करते हैं तो यहां पे क्या दिखाई देता है मेरे को, भारत का उत्तर से दक्षिण
वह पूर्व से पश्चिम जो है वो कितने किलोमीटर विस्तार देखने को मिलता है? तो उत्तर से दक्षिण आप देखते हो कितना, 3214 किलोमीटर आपका उत्तर से दक्षिण विस्तार देखने को मिलता है, और पूर्व से पश्चिम जो है विस्तार भारत का 2933 किलोमीटर देखने को मिलता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है, और ये एग्जाम में क्वेश्चन कहां पे आता है, यूपीएससी का एक एग्जाम था, वहां पे आज से 10-15 साल पहले का क्वेश्चन बता रहा हूं आपको। क्वेश्चन क्या आता है, वो बोलता है कि अगर भारत के अक्षांशीय अंतराल को देखें सर, 8 से 37 लगभग 29 डिग्री का अंतराल देखने को मिल रहा है, और भारत के देशांतरीय विस्तार को देखें सर, 68 से 97 लगभग 29 डिग्री का अंतराल देखने को मिल रहा है। तो कह रहा है कि अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार में कोई अंतर नहीं है, परंतु किलोमीटर विस्तार को देखा जाता है तो यहां पे आप देखते हो भारत की जो चौड़ाई है पूर्व से पश्चिम जो है 2933 किलोमीटर, और लंबाई जो है 3214 किलोमीटर। लंबाई चौड़ाई के अंदर अंतर क्यों आ रहा है, एक क्वेश्चन ये आता है। तो देखो यहां पे जो है ना, लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर ये कैसे हो गया, भारत का अगर मैं अक्षांशीय विस्तार देखना शुरू करता हूं तो अक्षांशीय विस्तार व देशांतरीय विस्तार जो है ये मेरे को देखने को मिलता है क्या? केरल से आपकी क्लास देख रहा हूं सर जी, थैंक यू। तो यहां पे अगर मैं देखना शुरू करता हूं तो देखो ये भाई केरल में है, इनसे पूछ लो, अपने यहां पे राजस्थान में इन दिनों जो है ना सूर्यास्त 7 बजे हो रहा है, और इनसे पूछ लो आप कि भाई केरल के अंदर जो है हमसे लेट होता है क्या, पहले होता है? 7 बजे बाद ही हो रहा होगा केरल में सूर्यास्त इस वक्त। ठीक सर, मैं एनसीईआरटी कंप्लीट करवा रहा हूं, ये बेसिक फाउंडेशन करवा रहा हूं, यश ये बेसिक ज्योग्राफी जो है फाउंडेशन ज्योग्राफी है वो करवा रहा हूं, और बेसिक से एडवांस करवा रहा हूं, मतलब यहां पे हैंड टू हैंड क्वेश्चंस भी देखेंगे अपन, मतलब क्लास क्लास के साथ में क्वेश्चन। ठीक सर, आओ चलो। तो अब देखो यहां पे अपन देखना शुरू करते हैं तो अपने को क्या दिखाई देता है, ये क्वेश्चन आया हुआ था कि भाई आपका अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार जो है इसके अंदर अंतराल कम है, और किलोमीटर विस्तार जो है इसके अंदर अंतराल अधिक है, ये कैसे देखने को मिलता है? तो इसका एक सिंपल सा आंसर है क्या, जैसे जैसे मैं इन अक्षांशीय रेखाओं को देखता हूं, अक्षांशीय रेखाओं को देखता हूं तो इनमें जो है दूरी समान है, और देशांतरीय रेखाओं को अगर देखता हूं तो ये क्या देखने को मिलती है सर, जैसे जैसे आप मध्य रेखा से ऊपर की तरफ जाते हो तो देशांतरीय रेखाओं के मध्य दूरी जो है क्या होती दिखाई देती है, कम होती दिखाई देती है, बताओ देती है कि नहीं देती है? तो अब एक चीज बताओ, कोई देश जब होगा तो यहां पे मतलब देशांतरीय रेखा जैसे जैसे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाओगे इनमें दूरी कम होगी, दूरी कम होगी तो यहां पे मैं बोल सकता हूं ये कम दूरी के बाद भी देशांतरीय विस्तार जो है मेरे को क्या दिखाता है, यहां पे अधिक दिखाता है। ठीक है, क्लियर है भाई? जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो आपको इतने एरिया के अंदर ज्यादा देशांतर रेखा दिखाई देंगी, और जैसे जैसे भूमध्य रेखा पे आओगे तो इतने एरिया में कम देशांतर रेखाएं दिखाई देंगी। ठीक, भूमध्य रेखा पे लगभग 111 किलोमीटर की दूरी होती है इनकी, और ध्रुवों पे जो इनकी देशांतर रेखाओं की दूरी होती है वो होती 0 किलोमीटर, बिल्कुल पास पास होती है। इसका आंसर होगा आपका ये। ओके, अब देखो सर आगे देखना शुरू करते हैं, भारत के बिल्कुल मध्य से कौन सी गुजरती है, कर्क रेखा। सिंपल सा क्वेश्चन है कि भारत के अंदर कर्क रेखा जो है वो कहां से गुजरती है, लाइन ऑफ कैंसर कहां से गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के अंदर 8 राज्यों से गुजरती है, कौन सा हो गया, गुजरात, गुजरात के बाद में दिखाई देगा कौन सा, राजस्थान, राजस्थान के बाद में दिखाई देगा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद में दिखाई देगा छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक, याद रहेगा कौन कौन सा, यहां से कर्क रेखा गुजरती हुई दिखाई देती है गुजरात, गुजरात के बाद में दिखाई देता है मेरे को राजस्थान, राजस्थान के बाद में दिखाई देता है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद में मेरे को देखने को मिलता है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद में देखने को मिलता है मेरे को झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब देखो यहां पे आप देखना शुरू करते हो, छत्तीसगढ़ की जो राजधानी दिखाई देती है रांची, छत्तीसगढ़ जो देखने को, सॉरी झारखंड जो है, झारखंड की आपको राजधानी यहां पे देखने को मिलेगी कौन सी, रांची। यहां पे देखो ये झारखंड है, इसकी राजधानी क्या है, रांची। रांची जो है ना ये बिल्कुल कर्क रेखा पे अवस्थित है, किसी मतलब मैं बोल सकता हूं राज्य का राजधानी शहर, निम्नलिखित में से कौन से राज्य का राजधानी शहर जो है, या निम्नलिखित में से कौन सा राजधानी शहर है कर्क रेखा के ऊपर अवस्थित है? तो रांची जो है ये कर्क रेखा पे अवस्थित देखने को मिलेगा। रांची के बाद निकटतम आपको देखने को मिलता है कौन सा, भोपाल, कौन सा देखने को मिलेगा फिर, गांधीनगर। अगर राजस्थान की बात करी जाए तो इसकी राजधानी जयपुर जो है कर्क रेखा से बहुत दूर देखने को मिलेगी। उसके बाद में पश्चिम बंगाल की जो है, उसके बाद में मतलब सबसे पहले आप बोल सकते हो
रांची सबसे निकट है, फिर आपको देखने को मिलता है भोपाल, गांधीनगर, फिर उसके बाद आप देखते हो तो आपको निकट देखने को मिलेगा त्रिपुरा, मतलब त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, सॉरी, फिर आपको देखने को मिलेगा आइजोल और अगरतला, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा दूरी पर जयपुर, बस इतना सा। हालांकि ये क्वेश्चन पूछता नहीं है, पर फिर भी एक रांची जो है ये जरूर ध्यान रखना कि कर्क रेखा के निकट अवस्थित राजधानी कौन सा है, रांची। कई बार एग्जामिनर ने यह भी पूछा है कि कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित राजधानी शहर कौन कौन से हैं। जयपुर उत्तर में अवस्थित है, गांधीनगर दक्षिण में है, भोपाल दक्षिण में है, ठीक। रायपुर जो देखने को मिलता है छत्तीसगढ़ का दक्षिण में है, कोलकाता जो है पश्चिम बंगाल का दक्षिण में है, और ध्यान रखना यहां पे त्रिपुरा का अगरतला और मिजोरम का आइजोल ये उत्तर में देखने को मिलता है, ठीक। तो उत्तर में जो राजधानी शहर है कर्क रेखा जिन जिन राज्यों से गुजर रही है, एक तो जयपुर, एक आपको देखने को मिलता है कौन सा यहां पे अगरतला और आइजोल, ये उत्तर में है, समस्त दक्षिण में है, ठीक। भारत का मानक देशांतर की अगर बात करी जाए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, तो ये कहां से गुजरता है, इलाहाबाद या प्रयागराज, यहां पे नैनी, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद में छत्तीसगढ़, उसके बाद में उड़ीसा, और उसके बाद में आपको देखने को मिलता है आंध्र प्रदेश। तो ये 82.5 डिग्री जिसको बोला जाता है क्या, +530 GMT, ठीक। अब देखो ये +530 GMT जो है इसकी कहानी भी आप सुन लो, ये क्या कहानी है। देखो वर्ल्ड का जो मानक समय निकाला जाता है, विश्व का जो मानक समय निकाला जाता है, वो निकाला जाता है कहां से, 0 डिग्री देशांतर, और ये जो 0 डिग्री देशांतर देखने को मिलता है कहां पे, लंदन के अंदर ग्रीनविच जो है यहां पे, इसको बोलते हैं ग्रीनविच रेखा, ठीक है, लंदन के पास में ग्रीनविच जो देखने को मिलता है ये, और ये है वैश्विक मानक समय। यहां से संपूर्ण विश्व का समय जो है उसकी गणना करी जाती है। अब सर यहां पे क्या आपका एक इंटरनेशनल कांग्रेस होती है, शायद 1884 के अंदर होती है, 1884 के अंदर, और वहां पे एक बात करी जाती है कि भाई कोई भी देश अपना मानक समय जो रखेगा उसके साथ एक बाध्यता है। क्या बाध्यता है, वो 7.5 के गुणांक पे रखेगा। आप अपना मानक समय जो है वो 7.5 के गुणांक पे ही रखोगे, ऐसे ही नहीं कि मन कर गया कोई आपने मानक रख लिया। कैसे, 0 से क्या रख सकते हो, या तो आप 7.5 रख सकते हो, 7.5 के अलावा आप और क्या रख सकते हो, फिर 15 रख सकते हो, 15 के बाद में आप देख सकते हो, फिर 15 का आप 7.5 गुणांक कर लो, 22.5 रख सकते हो, 30 रख सकते हो। इसी तरीके से भारत को देखता हूं तो ये 68 से लेकर के 97.25 तक देखने को मिलता है भारत, ठीक। तो भारत के अंदर जो है सही, जो बिल्कुल सटीक देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है क्या, 82.5 डिग्री। अब देखो यहां पे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, तो जैसे जैसे मैं पूर्व के अंदर इस 0 डिग्री से पूर्व में जाता हूं समय को हमेशा प्लस करता हूं, और जैसे जैसे पश्चिम में जाता हूं समय को हमेशा माइनस करता हूं। 1 डिग्री बराबर जो समय का अंतराल होता है वो होता है 4 मिनट, 1 डिग्री में 4 मिनट। 15 डिग्री बराबर होता है 1 घंटा, 15 डिग्री बराबर 1 घंटा, ये मान लो आप, ठीक है। तो देखो 15 डिग्री 1 घंटा, तो 15 15 दुना 30, 15 3 45, 15 4 60, 15 5 75, ठीक, 75, 15 5 75, तो 75 डिग्री के 5 घंटे हो गए। अब कितनी बची, 82.5 से 75 घटा दो, कितना बचा, 7.5। 7.5 का जब आपके 15 में 1 घंटा होता है तो 7.5 में कितना होगा, आधा घंटा, ठीक। तो 5 घंटे 30 मिनट भारत का जो समय देखने को मिलता है, इसको बोलते हैं क्या, मतलब आपका ग्रीनविच से +530 GMT बोलेंगे इसको, ठीक, +530 GMT जो है ये भारत का मानक समय देखने को मिलेगा। और भारत का मानक समय जो है ये आपका कहां से, भारत के 5 राज्य जो हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आपका आंध्र प्रदेश, यहां से निकलता है। इवन ये क्वेश्चन ग्रेड फर्स्ट के अंदर पूछ लिया गया था कि भारत के अंदर मानक समय कितने राज्यों से गुजरता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। तो ये तो बात हुई अक्षांश विस्तार और देशांतर विस्तार। अब बताओ मेरे को यहां तक अक्षांश विस्तार 29 डिग्री, मानक समय 5 राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरता हुआ दिखाई देता है, मानक समय और कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ के अंदर काटते हैं, देशांतरी विस्तार के कारण ये आपका मैंने यहां पे बात करी ली है, देशांतरी विस्तार के कारण भारत और अरुणाचल के मध्य, गुजरात और अरुणाचल के मध्य 2 घंटे या बोल सकते हो 1 घंटे 56 मिनट का अंतराल है। भारत की कुल देशांतर दूरी ग्लोब के लगभग लगभग 1.12 भाग जो है ये देखने को मिलता है। ये आपको देशांतरी विस्तार के बारे में ध्यान रखना है, ठीक।
अब देखो यहां तक की कहानी क्लियर है क्या? मेरे को बताओ यहां तक की कहानी क्लियर है सामान्य परिचय में कि अक्षांश विस्तार और देशांतरीय विस्तार जो है वो कितना देखने को मिलता है? बताओ सर। ये अक्षांश विस्तार और देशांतरीय विस्तार की कहानी क्लियर है क्या? यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है अक्षांश विस्तार और देशांतरीय विस्तार में, या किसी को कोई डाउट है? बताओ सर। देखो ये इंडियन ज्योग्राफी का है ना, मतलब ये फाउंडेशन, मैं मतलब इस एनसीईआरटी की पूरी समरी और बहुत तबियत से करूंगा, एक एक चैप्टर, और मतलब 6ठी से 12वीं तक का। और प्लीज आप लोग एक काम करो, क्लास जो है वो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, है ना। क्लास जो है वो आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करनी है। क्लास जो है वो मेरी डेली रहेगी और यहाँ पे पूरी की पूरी जो है समरी मैं करवाऊंगा, और नोट्स जो है वो आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे। ओके ओके चलो सर। अब देखो यहां से आगे देखना शुरू करते हैं, आगे देखते हैं तो अब यहां पे कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो हैं इनको देख लेते हैं कि अक्षांश विस्तार पे और देशांतरीय विस्तार पे बेसिक क्वेश्चन जो है कौन कौन से दिखाई देते हैं। बेसिक क्वेश्चन आप देखना शुरू करते हो कि आपका ये क्वेश्चन है कि भारत का विस्तार जो है वो देखने को मिलता है, ठीक। यहां पे आपका देखने को मिलता है कौन सा, इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका सी, नेक्स्ट। इसकी बात मैं कर ही चुका हूं, कौन सा जोड़ा सही नहीं है, 84 से आपका 37, ये तो खैर पुराना, बहुत पुराना क्वेश्चन है, छोड़ो ये। कर्क रेखा जो है गुजरती है कहां से आपका, त्रिपुरा से, मिजोरम से, मध्य प्रदेश से, इन सभी से, तो ऑब्वियस इसका आंसर होगा इन सभी से, 8 राज्य से गुजरती है। कौन सा अक्षांश लगभग भारत को 2 भागों के अंदर बांटता है, तो यहां पे पूछा है कि 2 भागों के अंदर बांटने वाला अक्षांश कौन सा है, तो 23-30 उत्तरी अक्षांश जो है कर्क रेखा, ये भारत को 2 भागों के अंदर विभाजित करती हुई दिखाई देती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरता है, तो 8 राज्यों से कर्क रेखा भारत के अंदर गुजरती हुई दिखाई देती है। कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है, तो ये क्वेश्चन जो है ना ये थोड़ा सा ऐसा है कि आप अगर मैप देख रहे हो तो कर सकते हो। देखो यहां पे देखना शुरू करता हूं, त्रिपुरा और मिजोरम, यहां से तो कर्क रेखा गुजरती है तो ये तो हो ही नहीं सकते, दोनों कर्क रेखा के उत्तर में, त्रिपुरा और मिजोरम तो हो ही नहीं सकते। बात करते हैं किसकी, आपका यहां पे देखने को मिलता है कौन सा, छत्तीसगढ़ और झारखंड। देखो यहां पे आप देखना शुरू करते हैं झारखंड की राजधानी जो है ना रांची, यहां से भी कर्क रेखा गुजरती है तो ये भी नहीं देखने को मिलेगा। आंसर क्या होगा आपका, आंसर होगा यहां पे मणिपुर। मणिपुर जो है वो कर्क रेखा के कहां दिखाई देता है, मेरे को उत्तर के अंदर जो है देखने को मिलेगा। बी कैसे हो जाएगा भाई, झारखंड कैसे बता रहे हो इसके अंदर, देखो जरा मेरे साथ, इंडिया का मैप देखो मेरे साथ में, आप देखो जरा, ये देखो आपको कहां दिखाई देगा कर्क रेखा के उत्तर में, आपको बताओ जरा भाई, मेरे को तो नहीं दिखाई देता है यहां पे। मैं जो देखना शुरू करता हूं तो यहां पे मणिपुर जो है वो जरूर दिखाई देता है, कर्क रेखा जो है वो ऐसे दिखाई दे रही है, ये देखो ऐसे दिखाई दे रही है मेरे को कर्क रेखा। अब कर्क रेखा जब मेरे को ऐसे दिखाई दे रही है तो बताओ जरा मेरे को कहां दिखाई दे रहा है आपको, कर्क रेखा जो है वो ऐसे है आपकी, ये है कर्क रेखा। झारखंड कहां दिखाई दे रहा है, देखो जरा झारखंड ये दिखाई दे रहा है, कहां कर्क रेखा के उत्तर में, यहां पे आपको जो दिखाई देता है यहां पे मणिपुर जो है ये दिखाई देता है। तो बिल्कुल आपको मैप जो है ध्यान रखना है, पहला यही है फंडा सर, चाहे आप राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे हो, भारत का भूगोल पढ़ रहे हो, आपको एक एक राज्य की स्थिति का पता होना चाहिए। ओके नेक्स्ट सर, आगे देखना शुरू करते हैं, प्रमाणिक मानक समय है भारत का, तो 82.5 जो है ये देखने को मिलता है पूर्वी, ठीक। भारत का मानक समय जो है ये देखने को मिलता है कौन सा, 82.5 जो है ये देखने को मिलता है मानक समय, ये डी जो है इसका आंसर होगा। एक ये 10 डिग्री चैनल, ये अब आगे की बात है, ये आगे की बात है आपका। भारत का मानक समय याम्योत्तर नहीं गुजरता, देखो मानक समय के लिए याम्योत्तर शब्द जो है ये भी यूज कर लिया जाता है, तो ये आपका कहां से नहीं गुजरता है, तो ऑब्वियस इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से भारत का मानक समय 82.5 डिग्री जो है नहीं गुजरता है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर सूर्योदय सुबह 5 बजे होता है, तो गुजरात के कांडला में सूर्योदय कब होगा, 2 घंटे बाद, तो सुबह 7 बजे जो है कांडला के अंदर मेरे को सूर्योदय होता हुआ दिखाई देता है, ठीक। तो ये कुछ यहाँ पे सिंपल सिंपल से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। भारत का मानक समय ग्रीनविच आपके समय में अंतराल पाया जाता है 5:30+, ध्यान रखना ये प्लस 5:30, नीचे माइनस दे रखा है, माइनस नहीं होगा, ऊपर वाला जो है ये आंसर देखने को मिलता है। भारत का सुदूर दक्षिणतम पॉइंट देखने को मिलता है, तो ये देखने को मिलता है कि आपका इंदिरा पॉइंट, कन्याकुमारी, यहां पे आंसर नहीं होगा, ठीक। ये मैं आगे बात करता हूं,
अब चलो सर यहां से आगे निकलना शुरू करते हैं अपन, आगे निकलते हैं तो भारत के अंदर क्या देखना शुरू करते हैं। अब भारत की मेरे को क्या दिखाई देती है स्थिति, कौन सी आपका पड़ोसी देशों की। तो ये तो बात हुई भारत के सामान्य परिचय की, और भारत की अब मैं बात करता हूं कुल बाउंड्री जो है वो कितनी है, कुल जलीय बाउंड्री कितनी है। ये तो देखो सबसे पहले आप देखना शुरू करते हो भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल हो गया कितना देखने को मिला। अगर मुझसे पूछा जाए कि सर भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल जो है वो पाया जाता है कितना, आप बोल सकते हो कि सर भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल जो है ये देखने को मिलता है मेरे को कितना, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। पूर्व से पश्चिम 29,33, उत्तर से दक्षिण आपका कितना देखने को मिलता है 32,14। नीचे तटीय रेखा की अगर बात करी जाए तो देखो तटीय रेखा और स्थलीय सीमा दो चीजें आती हैं। अगर बात करी जाए भारत की स्थलीय सीमा, यानी कि मैं बोल सकता हूं ये पूरी की पूरी जो है लैंड बाउंड्री जो लगती है ये कहां से लग रही है और कितनी लग रही है, तो लैंड बाउंड्री या स्थलीय सीमा की बात करी जाए तो ये लगती है कितनी, 15,200 किलोमीटर जो है ये स्थलीय सीमा लगती हुई दिखाई देती है। और तटीय सीमा की बात करी जाए तो तटीय सीमा आप बोल सकते हो कितनी, 6100 किलोमीटर जो है ये लगती हुई दिखाई देती है। अब देखो तटीय सीमा दो तरीके से है, एक तो यहां पे दिखाई देते हैं आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहां पे दिखाई देता है लक्षद्वीप द्वीप समूह। इन द्वीप समूह सहित या द्वीप समूह रहित, अगर मुझसे पूछा जाए कि भारत की तटीय सीमा पाई जाती है मैं बोलूंगा 6100 किलोमीटर, और मुझसे पूछा जाए भारत की तटीय सीमा द्वीप समूह सहित पाई जाती है मैं बोलूंगा 7,516.6 किलोमीटर, या ऑप्शन में 7,516.6 नहीं है तो मैं आंसर क्या लगाऊंगा, 7,517 किलोमीटर जो है ये क्या लगाऊंगा, भारत की तटीय सीमा। ठीक, तो भारत की तटीय सीमा द्वीप समूह सहित यानी कि अंडमान निकोबार को भी जोड़ लिया है मैंने, और किसको जोड़ लिया, लक्षद्वीप को भी जोड़ लिया है, तो कुल तटीय सीमा कितनी हुई, 7,517 या बोल सकता हूं 7,516.6, और द्वीप समूह रहित कितनी हुई, 6100 किलोमीटर। ठीक, अब देखो यहां पे तटीय सीमा की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले इसी को देखते हैं अपन, तो इसको देखना शुरू करते हैं। तो तटीय सीमा आप जब किसी भी देश की देखते हो तो यहां पे आपको क्या देखने को मिलेंगी, कुछ चीजें देखने को मिलती हैं, और स्पेशली इसकी बात मैं भी करता हूं कि कौन सा राज्य कहां पे लगता है। 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश जो है तटीय सीमा लगाते हैं। तो सबसे पहले आप देखना शुरू करते हैं इसको 3 भागों में बांटते हैं, है ना। 3 भाग कौन कौन से होंगे, पहला देखने को मिलता है कौन सा मेरे को, प्रादेशिक सीमा, प्रादेशिक समुद्री सीमा। ठीक, तो देखो प्रादेशिक समुद्री सीमा की अगर बात करी जाए, अब देखो यहां पे इन्होंने करा क्या है, जैसे ये मेरे को देखने को मिल रहा है भारत, ये देखने को मिल रहा है भारत, कुछ क्षेत्र हैं भारत के आपके इस तरीके से बाहर निकले हुए हैं, तो ये जो बाहर निकले हुए क्षेत्र को मिलाती हुई एक रेखा है ये इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं कि सर ये पूरी की पूरी क्या दिखाई देती है, तटीय सीमा या तटीय रेखा दिखाई देती है। ये पूरी की पूरी क्या है, भारत की तटीय रेखा है, संपूर्ण क्या दिखाई देती है, तटीय रेखा। यहीं से आप दूरी मापोगे। अब देखो समुद्र के अंदर जो दूरी मापी जाती है ये मापी जाती है किसके आधार पे, नॉटिकल माइल के आधार पे, किसके आधार पे, नॉटिकल माइल के आधार पे। तो प्रादेशिक जलीय सीमा कहां से, ये जो तटीय रेखा, प्रादेशिक तटीय रेखा देखने को मिलती है इससे कितनी, 12 नॉटिकल माइल, कितनी, 12 नॉटिकल माइल जो है इसकी दूरी पे देखने को मिलता है, या 12 समुद्री मील जो है इसकी दूरी पर। अब देखो यहीं पे एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनता है आपका, राजस्थान के अंदर पूछा हुआ क्या, कि एनसीईआरटी में साफ साफ दे रखा है इसने कि 12 समुद्री मील बराबर लगभग 21.9 किलोमीटर, 12 समुद्री मील बराबर 21.9 किलोमीटर, और ये कहता है कि आपका एक समुद्री मील जो देखने को मिलता है इसके अंदर कितना, 1.824 किलोमीटर, और एक स्थलीय मील जो देखने को मिलता है इसके अंदर लगभग आपका मैं बोल सकता हूं 1,584 किलोमीटर, है ना। समुद्री मील की दूरी अधिक होती है स्थलीय मील से, समुद्री मील की दूरी अधिक होती है। अब देखो सामान्यतया आप देखते हो कि दूरी जो है वो मापी जाती है किसमें, किलोमीटर में, मीटर में, और समुद्र की दूरी जो है ये किसमें माप रहे हैं, माइल के अंदर। ठीक, या स्थलीय क्षेत्र जो है आपके ब्रिटिश पीरियड में अपने भारत के अंदर भी किसमें मापे जाते थे, मील में मापे जाते थे। तो ध्यान रखना, कई बार ऐसा पूछा हुआ है कि प्रादेशिक जलीय सीमा जो है पाई जाती है कितने किलोमीटर, भाई साहब ने यहां पे मील ही नहीं दिया है, किलोमीटर दे दिया है, तो 12 के तो 12 ये हो गए अपने, और 8 किलोमीटर और जोड़ दो उसके अंदर आप, 20 हो गया आपका। ठीक,
और लगभग 21.9 किलोमीटर जो है आंसर आता है। ये डिटो, ये 21.9 किलोमीटर वाला है ना, सीधा का सीधा क्वेश्चन राजस्थान के अंदर पूछा हुआ है, सीधा क्वेश्चन जो है ये पूछा हुआ आपका। जितेंद्र भाई प्लस के लिए 11:30 बजे सुबह मॉर्निंग में बैच चल रहा है मेरा, ठीक, प्लस पे जो है सुबह 11:30 बजे बैच चल रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके चलो सर, तो ये बात हुई किसकी अपनी, ये यहां पे देखने को मिलता है मेरे को, समुद्री मील की दूरी, ठीक, ये याद रहेगा, प्रादेशिक समुद्री सीमा। अब देखो भाई साहब, ये प्रादेशिक समुद्री सीमा जो है ना, ये पूर्णतया क्या है, ये आपकी सीमा है, आप इस पे मतलब कोई भी आपका मतलब पूरा का पूरा हमारा अधिकार है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपको देखने को मिलती है क्या, ये जो मतलब तटीय रेखा जो देखने को मिलती है, मैं बार बार बोल रहा हूं तटीय रेखा, बार बार बोल रहा हूं तटीय रेखा, तो तटीय रेखा से 12 नॉटिकल मील तक क्या देखने को मिलता है, टेरिटोरियल सी, या बोलते हैं प्रादेशिक समुद्री सीमा। तटीय रेखा से 24 नॉटिकल मील, यानी कि क्या बोल सकता हूं, इस प्रादेशिक जलीय सीमा से अगले 12 नॉटिकल मील। मैं ये भी तो बोल सकता हूं कि भाई आपका तटीय रेखा से 24 नॉटिकल मील या प्रादेशिक जलीय सीमा से अगले 12 नॉटिकल मील, है ना, यहां पे जो देखने को मिलता है इसको बोलते हैं क्या अपन, अवच्छेदित मंडल, या इसको बोलते हैं संलग्न क्षेत्र, ठीक। इसके लिए जो वर्ड यूज करा जाता है वो यूज करा जाता है कि आपका संलग्न क्षेत्र जो है ये करा जाता है। ध्यान रखना, ये संलग्न क्षेत्र जो होता है, यहां पर राज्य जो है अपना टैक्स लेगा, सीमा शुल्क लेगा, कोई भी जहाज अगर यहां से जाता है तो हम यहां से क्या लेंगे, सीमा शुल्क जो है वो वसूलेंगे। उसके अलावा पर्यावरण स्वच्छता संबंधित जितने भी भारत के कानून होंगे, ये यहां पे क्या संलग्न क्षेत्र के अंदर, या संलग्न क्षेत्र को आपका अवच्छेद मंडल जो है ये कहा जाता है, यहां पर लागू होते हैं। उसके बाद में अगला, मतलब यहां से वही आपका तटीय सीमा से 200 नॉटिकल माइल की दूरी जो होती है, ये 200 नॉटिकल माइल जो है ये क्या देखने को मिलती है, यहां पे देश के मतलब इस समुद्र के अंदर सारे के सारे संसाधनों पे अपना अधिकार है। कोई द्वीप बन गया तो भी अपना अधिकार है, यहां पे पेट्रोल मिल रहा है तो भी अपना अधिकार है, यहां पे मछलियां हैं उन पे भी अधिकार है। बहुत से लोगों को मैंने बोलते देखा है कि साहब यहां पे मत्स्य उत्पादन नहीं कर सकते, करते हैं भाई, मत्स्य उत्पादन होता है यहां पे, खुला खुला होता है। 200 नॉटिकल माइल के अंदर आपको जो कुछ मिल रहा है वो उस देश का होगा, सारे संसाधन, चाहे पेट्रोल मिल रहा है, चाहे सोना मिल रहा है, चाहे मछली मिल रही है, वो सब उसकी होंगी 200 नॉटिकल माइल तक आपका, ठीक। अब यहां पे आप देखना शुरू करते हो, ये 200 नॉटिकल माइल का एरिया है, आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, जैसे भारत के अंदर अपने को एक्सपेरिमेंट क्या देखने को मिलता है, आप यहां पे आ जाओ, इंडिया के अंदर यहां पे आओ, ठीक, आपको क्या देखने को मिलता है, ये उड़ीसा देखने को मिलता है, यहां पे आपको देखने को मिलता है व्हीलर द्वीप, एक द्वीप है जिसका नाम क्या है व्हीलर। ये मैप मैं पूरा करवाऊंगा इंडिया का, अभी बेसिक बता रहा हूं, मैप जो है इंडिया गवर्नमेंट के अनुसार एक एक लोकेशन जो है आपको मैप पे दिखाऊंगा कि कौन कौन सी लोकेशन कहां पे है, ठीक। तो यहां पे आप देखना शुरू करते हो, उड़ीसा में दिखाई देता है व्हीलर द्वीप, मतलब कोई भी भारत, जैसे अपना अग्नि का अपन कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट, या अग्नि जो है उसका प्रयोग कर रहे हैं, या अग्नि जो है उसको अपन मिसाइल जो है उसका प्रक्षेपण करके देख रहे हैं, या और कोई मिसाइल उसका प्रक्षेपण करके देख रहे हैं, तो अब ऐसा तो कोई थोड़ा ना होगा कि भाई भारत जो है इसका परीक्षण कर रहा है किसी मिसाइल का, और परीक्षण उसको किसी देश पे ही घेर के देखना है, जरूरी कोई थोड़ा ना है कि भाई हमने परीक्षण जो है करके देखा, ये अच्छी खासी मार करती है और अच्छा खासा इसने नुकसान कर दिया। परीक्षण कब जब करा जाता है किसी मिसाइल का, मतलब आप किसी मैं बोल सकता हूं हथियार का जब आप परीक्षण कर रहे हैं, तो आप उसकी क्या चेक करेंगे, गति चेक करेंगे, मारक क्षमता चेक करेंगे, और ये चेक करेंगे तो उसको कहां घेरेंगे, आप ऐसी जगह तो घेरेंगे जहां पे कोई नुकसान ना हो, तो नुकसान ना हो तो ये लक्ष्य कहां बनाते कि भाई ये लक्ष्य को वाकई में मतलब लक्ष्य तक पहुंच रही है, या लक्ष्य जो उसको हिट ही नहीं कर रही है, हम अटैक कर रहे हैं कहीं और जा रही है कहीं और, ऐसा तो नहीं हो रहा है, तो लक्ष्य कहां है, ये यहां पे आपका इस 200 नॉटिकल माइल के एरिया में ही बनाते हैं। ये 200 नॉटिकल माइल का एरिया जो होगा आपका, ये क्या होगा, सारा का सारा किसी भी देश का, इसको बोलते हैं ईईजेड, क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन, या अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तो यहां पे आप अपने रिसर्च जो है, अनुसंधान जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो अनन्य आर्थिक क्षेत्र, संसाधनों पे अधिकार, ठीक है। 12 नॉटिकल मील आपका देश की प्रादेशिक सीमा बोल सकता हूं, 24 नॉटिकल मील यहां पे आप बोल सकते हो आपके
कस्टम जो है सीमा शुल्क लिया जाएगा, उसके अलावा 24 नॉटिकल माइल की जो दूरी होती है, इस दूरी के अंदर सामान्यतः मैं बोल सकता हूं कि यहां पे पर्यावरण स्वच्छता संबंधित कानून जो हैं वो देश के लागू होते हैं, और 200 नॉटिकल माइल जिसको बोलते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र, यहां पे देश के जो हैं संसाधनों पे अधिकार होते हैं और उसके साथ में अनुसंधान के लिए ये क्षेत्र कार्य में लिया जाता है। ओके, ये क्लियर है। ये देखो, ये मतलब थोड़ी सी ऊपर वाली बात थी आपकी। अब देखो यहां पे आगे देखते हैं, यहां पे एक श्रीलंका वाली कहानी भी है, श्रीलंका वाली कहानी भी है। तो ये श्रीलंका वाली कहानी क्या है, कौन सा द्वीप है, कहां से अपनी लड़ाई है, ठीक, और उसके अलावा बांग्लादेश से अपनी कौन सी लड़ाई है, गुजरात के साथ अपनी कहां पे लड़ाई है, सरक्रिक कौन सी कहानी है, कोरिक्रिक कहां देखने को मिलती है, ये सारी चीजें अपन देखेंगे कल, ठीक। और भारत के अंदर ये तटीय सीमा वाला एक फटाफट देख लो कि तटीय सीमा जो है वो लगाते हुए दिखाई देते हैं मेरे को 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश। तो ध्यान रखना, सबसे लंबी तटीय सीमा लगती हुई दिखाई देती है गुजरात की, अगर पूछे सबसे लंबी तटीय सीमा गुजरात की, नंबर 2 पे आंध्र प्रदेश की। आपको दिखाई देगा गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, सबसे छोटी तटीय सीमा गोवा की, फिर उसके बाद में महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, 3, चौथा कर्नाटक, 5वां केरल, 6ठा तमिलनाडु, 7वां आंध्र प्रदेश, 8वां उड़ीसा और 9वां पश्चिम बंगाल। 9 तो क्या हो गए, ये अपने को देखने को मिले राज्य, केंद्र शासित प्रदेश 4, कौन सा, एक तो देखने को मिलेगा अंडमान निकोबार, सबसे लंबी तटीय सीमा गुजरात से भी लंबी, गुजरात से भी लंबी, ध्यान रखना, ये रट्टा मत मान लेना कि सर्वाधिक लंबी तटीय सीमा जो है गुजरात की पाई जाती है, बहुत से लोगों को जो है मैंने यहां पे परेशान होते देखा है। अगर पूछे सबसे लंबी तटीय सीमा किसकी लगती है, तो अगर राज्य नहीं पूछा है उसने, अगर राज्य पूछ रहा है तो लगाओगे आंसर गुजरात, और राज्य नहीं पूछ रहा है तो क्या लगाओगे, अंडमान निकोबार, ये केंद्र शासित प्रदेश है, तो सबसे लंबी अंडमान निकोबार। अगर राज्य पूछता है कि भारत की सबसे लंबी तटीय सीमा किस राज्य की लगती है, तो आंसर होगा गुजरात, गुजरात के बाद में कौन सा होगा आंध्र प्रदेश, और फिर कौन सा होगा तमिलनाडु, ये ध्यान रखेंगे आप, 3 जो है ये याद रखेंगे आप, ठीक है। न्यूनतम तटीय सीमा किस राज्य की लगती है, गोवा की, और किसकी लगती हुई दिखाई देती है, मैं बोल सकता हूं उससे भी कम, दमन और द्वीप की, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां पर अपन देखना शुरू करते हैं, दमन द्वीप जो है ये न्यूनतम लगाता हुआ दिखाई देगा, और गोवा जो है राज्य के अंदर और केंद्र शासित में दमन द्वीप गोवा से भी कम लगाता है। केंद्र शासित प्रदेश में नंबर 1 पे अंडमान निकोबार, नंबर 2 पे आप देखना शुरू करते हैं तो आपको देखने को मिलता है कौन सा, दमन द्वीप, नंबर 3 पे देखते हैं तो आपको दिखाई देता है लक्षद्वीप, और नंबर 4 पे सामान्यतः जिस राज्य को लोग नेगलेक्ट मतलब केंद्र शासित को नेगलेक्ट करते हैं वो है पौंडुचेरी। ध्यान रखिएगा, पौंडुचेरी का विस्तार भारत के 3 राज्यों में है, पौंडुचेरी, तमिलनाडु में पौंडुचेरी और कराईकल के नाम से, पौंडुचेरी आपका यनम के नाम से आंध्र प्रदेश में एक द्वीप देखने को मिलता है, और मतलब एक क्षेत्र देखने को मिलता है, और पौंडुचेरी केरला के अंदर माही के नाम से है ना। तो एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश जिसका विस्तार आपका 3 राज्यों में है, केरल में माही के नाम से पौंडुचेरी, मतलब माही जो है पौंडुचेरी का क्षेत्र है, तमिलनाडु में पौंडुचेरी और कराईकल पौंडुचेरी का क्षेत्र है, और आंध्र प्रदेश में यनम जो है ये पौंडुचेरी का क्षेत्र है। देखो बेसिकली कहानी क्या थी, ये आपको देखने को मिलती है फ्रांसीसी कॉलोनी, पौंडुचेरी जो है जैसे गोवा जो है पुर्तगालीज के अधीन था, कभी पुर्तगालीज से छुड़वाया है हमने, ये थी फ्रांसीसी कॉलोनी, मतलब फ्रांस वाली कल्चर आपको पौंडुचेरी में देखने को मिलेगी, जैसे गोवा के अंदर पुर्तगाल की कल्चर देखोगे वैसे ही फ्रांस में क्या देखने को, फ्रांस वाली कल्चर या संस्कृति देखने को मिलती है पौंडुचेरी में। सांस्कृतिक रूप से इनको जोड़ने के लिए हमने क्या करा है, इनको भौगोलिक रूप से लग रखा है, ये फ्रांस की कॉलोनियां थी और जैसे ही फ्रांस से आजाद हुए तो सांस्कृतिक रूप से एक रखने के लिए हमने इनको भौगोलिक रूप से एक रखा है। तो पौंडुचेरी के अंदर कई बार क्वेश्चन आ जाता है क्या, कि भारत का ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों से सीमा लगाता है, मतलब एक बार मेरे सामने क्वेश्चन आया था ये कि भारत का कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो बंगाल की खाड़ी इधर है और अरब सागर दोनों से सीमा लगाता है। मैं यार भारत का ऐसा कौन सा प्रदेश हो गया जो मतलब इधर पूर्व और पश्चिम दोनों, मतलब उसने दिया था कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो पूर्वी तटीय व पश्चिमी तटीय दोनों सीमा लगाता है, मतलब उसने अरब सागर बंगाल की खाड़ी भी नहीं दिया ऑप्शन में,
ये दे रखा था कि भारत का ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो कि पूर्वी तटीय सीमा भी लगाता है और पश्चिमी तटीय सीमा भी लगाता है। मैं यार इतना कौन सा मतलब फैला हुआ अपना राज्य हो गया जो पूर्वी तटीय सीमा और पश्चिमी तटीय सीमा लगाता है। लोगों का दिमाग जो है तमिलनाडु पे चला जाता है जो कि बिल्कुल गलत आंसर है। तो यहाँ पे भारत का प्रदेश देखने को मिलता है पौंडुचेरी कराईकल, और आपको देखने को मिलता है यहाँ पे पौंडुचेरी तमिलनाडु के अंदर जो कि पूर्वी तटीय सीमा लगा रहा है, यनम पूर्वी तटीय सीमा लगा रहा है, और पश्चिमी तटीय सीमा आपको माहे जो है लगाता दिखाई देता है। तटीय प्रदेश पे हैं ये सारे के सारे, है ना। तो एक भारत का एक सामान्य सा परिचय था, आई होप सो ये सामान्य परिचय आपको समझने में आया होगा। ठीक, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ये सामान्य परिचय के अंदर यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। बताओ सर, किसी को कोई मतलब डाउट तो नहीं है इसमें सामान्य परिचय में। अब देखो सर, ये तो यहाँ पे अपन ने बात करी, 12:30 बजने वाले हैं सर, और चलो ये कुछ क्वेश्चंस जो हैं स्पेशली यहाँ पे आपके दिए हुए हैं, इन पे है ना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इन पे जो क्वेश्चंस जो हैं और सीमावर्ती क्वेश्चंस जो हैं इनको कल देखेंगे, और भारत की सीमाओं की बात जो है कल करूँगा, और भौतिक विभाजन की कल बात करूँगा। और अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं ये, तो ये एनसीईआरटी मत पढ़ना, ठीक। ये 5.5 घंटे और ये कटिबंध वाली बात जो है सारी की सारी आपको यहाँ से कोई भी जो है चीज़ें जो है छूटती भी नहीं दिखाई देंगी आपको। तो ये जो है मतलब आप इसको यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। ये मतलब ये एनसीईआरटी जो है यहाँ से मैं सारे के सारे फैक्ट आपको करवाऊँगा। आई होप सो आपको ये चीज़ें जो हैं समझने में आई होंगी आपका। आई होप सो ये चीजें जो है आपको समझने में आई होंगी। और अगर आप अनअकैडमी पर कंप्लीट कोर्स ग्रेड फर्स्ट जो है इसकी ऑप्शनल ज्योग्राफी मेरी चल रही है, आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ग्रेड फर्स्ट, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों, पेपर सेकंड ज्योग्राफी कंप्लीट, और आप कोड यूज कर सकते हैं 6 महीने के लिए यहाँ पे टीटी लाइव, मात्र 2520 रुपये फीस है। ग्रेड सेकंड की इस तरीके से आपको 2100 देखने को मिलेगी। अगर आप आरएएस की तैयारी कर रहे हैं तो फाउंडेशन कोर्स हमारा 7622 साल भर का, और 2 साल का 9206 डिस्काउंट के लिए आप कोड यूज कर सकते हैं टीटी लाइव। तो यहाँ पे आपको कंप्लीट कोर्स जो है वो मिलेंगे, उसके अलावा मतलब आंसर राइटिंग जो है वो मिलेंगे। कोर्स की बात करी जाए तो हिंदी में मतलब हमारा जो कोर्स है 12 महीने का फाउंडेशन कोर्स, ये 11 अगस्त से आपका शुरू हो रहा है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और प्रेजेंटली मेरी जो ज्योग्राफी की क्लास चल रही है, इंडियन ज्योग्राफी की, वो 11:30 बजे चल रही हैं, आप इन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आई होप सो आपको ये चीज़ें समझने में आई होंगी। ठीक, फिर मिलते हैं, बाकी कल वापस मैं मिलता हूँ आपको इसी YouTube चैनल पे। चैनल जो है वो है आपका अनअकैडमी लाइव RPSC। उसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल जो है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल है ज्योग्राफी बाई तुषार त्यागी। ठीक, तो टेलीग्राम पे भी आपको जो क्लासेस हैं उनके नोट्स जो है आपको मिलते रहेंगे। ठीक, तो सर फिर मिलते हैं कल एक नेक्स्ट सेशन में, और मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ और एडवांस पे चलेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं एडवांस पे लेके नहीं जाऊँगा, बिल्कुल एडवांस पे लेके जाऊँगा। ज्योग्राफी जो है बिल्कुल पीक पे, जहाँ से अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी के, और बिल्कुल बेसिक से दोनों चीज़ों को लेके चलेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, उसके अलावा टेलीग्राम चैनल है, आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कल, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।